हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को सुख समृद्धि संपन्नता की देवी माना गया है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जहाँ पर देवी लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पर सुख और संपन्नता होती है, और जहाँ से देवी लक्ष्मी रूट जाती हैं वहाँ पर अंधकार और निराशा दरिद्रता होती है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ से देवी लक्ष्मी रूट जाती हैं वहाँ पर निराशा ही निराशा होती है, और जहाँ पर देवी लक्ष्मी आती हैं वहाँ पर खुशियाँ छा जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब देवी लक्ष्मी का आगमन किसी जगह पर होने लग वाला होता है तो हमें बहुत सारे ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारे घर में देवी लक्ष्मी का वास होने वाला है और हमारा घर सुख शांति और समृद्धि से भरने वाला है, और इसके लिए हमें देवी लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से संकेत हैं जो हमें मिलते हैं जब हमारे घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है। तो आइए देखें। मगर उससे पहले बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। जब आपके पास अचानक सब कुछ हरा भरा दिखाई देने लगे, जब आपको हरी चीज़ें मन बहुत भाने लगे, हर हरा रंग आपकी आँखों को अच्छा लगने लगे, तब आप समझ लीजिए कि आपके घर में आपके निवास स्थान पर देवी लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आपकी सब परेशानियों का अब अंत लिखा है और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। हरा रंग देवी लक्ष्मी का संकेत देता है और बताता है कि आपका घर सुख शांति और समृद्धि से भरने वाला है। कभी कभी अचानक ही ऐसा होता है कि हमें हर हरी चीज़ अच्छी लगने लगती है, हरा रंग अच्छा लगने लगता है, हरे कपड़े अच्छे लगने लगते हैं। बस वो एक संकेत होता है कि हमारे घर में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद किसी न किसी रूप में ज़रूर बरसने वाला है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जब घर में हम साफ सफाई रखते हैं, शुद्धता रखते हैं, तो माँ लक्ष्मी का वास होता है। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आपको सुबह उठते ही कोई झाड़ू लगाते हुए दिख जाए, या आप अपने घर से बाहर निकलें और आपको कोई अचानक झाड़ू लगाता हुआ सुबह सुबह दिख जाए, तो इसका ये मतलब है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद किसी न किसी रूप में ज़रूर बरसने वाला है। उसे कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए और ना ही कोई बुरा संकेत समझना चाहिए। हम तो घर से बाहर निकले और हमें कोई झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे गया, जहाँ पर भी साफ सफाई शुद्धता होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास जरूर होता है। इसीलिए झाड़ू को माँ लक्ष्मी के साथ जोड़ा जाता है। गन्ना भी माँ लक्ष्मी के आने का संकेत देता है। सुबह उठते ही अगर आपको कहीं से अचानक गन्ना दिखाई दे जाए, या सुबह के सपने में आपको गन्ने का खेत दिखाई दे, तो इसका ये मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर बरसने वाला है और अचानक ही आपके भाग्य खुल जाएंगे। उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। ऐसे में अगर अचानक ही आपको अपने आसपास उल्लू दिखाई दे या आपको बार बार उल्लू दिखाई दे, तो इसका ये मतलब है कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर दया करने वाली हैं और आपके भाग्य खुलने वाले हैं। अचानक ही आपके ऊपर धन वर्षा होगी और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। शंख भगवान विष्णु की प्रिय चीज़ है, और ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होती है, भगवान विष्णु का वास होता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी जरूर आती हैं। तो अचानक ही अगर आपको कभी शंख की आवाज़ सुनाई दे जाए, या आपके घर के आसपास कहीं शंख की आवाज़ गूंजे और उसकी ध्वनियाँ आपके कान पर पड़े, तो आप ज़रूर समझिए कि कहीं ना कहीं से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ज़रूर बरसने वाला है, आपके भाग्य ज़रूर खुलेंगे। तो ये है कुछ संकेत जिनसे कि आपको पता चलता है कि आपके भाग्य खुलने वाले हैं और आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि माँ लक्ष्मी को मनाना जितना ही आसान है, माँ लक्ष्मी उतनी ही जल्दी रूठ भी जाती हैं। इसलिए अपने घर में, अपने आसपास हमेशा साफ सफाई और स्वच्छता रखें। ज़्यादा से ज़्यादा माँ लक्ष्मी की सेवा पूजा करें, जिससे कि वो आपके घर पर सदैव के लिए वास करें और कभी भी ना रूठें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।